असी प्लस वन का टॉपिक शुरू किया है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। वो भी पहला असी टॉपिक शुरू किया है लिमिट्स। लास्ट टाइम असी लिमिट्स की कुछ एग्जाम्पल्स टाइप्स देखिया सी, आज भी लिमिट्स दी ही कुछ टाइप्स देखा। एक मेरे को फंक्शन होंगे, उस फंक्शन का नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, यह फंक्शन बच्चे ने पहला लोअर क्लासेस नहीं किया होया। यह साइन ए वाला होंगे, इस टाइप का साइन है, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का प्रोपर डेफिनेशन की हैगी है, वो ये है, इफ इफ एक्स इज इक्वल टू यू प्लस एफ, वेयर एफ लाइज बिटवीन जीरो एंड वन, एंड यू इज एन इंटीजर, एंड यू इज एनी इंटीजर, एंड यू इज एनी इंटीजर, देन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा यू। ए प्रॉपर डेफिनेशन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की। इफ एक्स नू असी जे यू प्लस एफ की फॉर्म च रिप्रजेंट कर सकी है, एफ की वैल्यू जीरो ते वन दे विच लाई करनी चाहिए है, तो एक्स की जी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू होगी सिर्फ यू होएगी। एक मैं सिंपल दसदा, पहला तो जिस मान लो मेरे को 2.5 है, 2.45 है, मैं यदि ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू निकालनी, यदि टू ही होएगी क्योंकि ये डेसिमल वाला पार्ट ही छोड़ देना है। हूँ जिस सपोज कर लो मैं वैल्यू निकालना चाहता वहाँ 3.999 की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू, यदा आंसर कितना आएगा 3, क्योंकि सारा फ्रैक्शनल पार्ट है, इन्हें सिर्फ इंटीग्रल पार्ट देना है आंसर दे विच। पर यह ख्याल होना चाहिए है कि अगर पॉजिटिव साइन है। हूँ जिस मान लो जो एक नंबर लाइन तुम बना, हूँ जिस मेरे को 1, 2, 3, 4, 0, -1, -2, 3.99 कितने लाई करता पे, 3 ते 4 दे विच का लाई करेगा, तो आंसर हमेशा लैफ्ट साइड वाला आएगा। जो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का आंसर आएगा हमेशा लैफ्ट साइड वाला आएगा नंबर लाइन पर। 2.45 टू तो 3 के विच कर कितने आएगा, आंसर हमेशा लैफ्ट साइड वाला आएगा, 2 आएगा। हूँ माइनस से तुम्हें एक वैल्यू दस दवा, जिस मान लो मेरे कोई वैल्यू हैगी है -1.99। हूँ -1.99 -1 तो -2 के विचकार लाई करता पे, आंसर हमेशा लैफ्ट साइड वाला आएगा। मैं हमने दसिया तो यदा मैंने कहता आंसर कितना आएगा -2, यदा आंसर कितना आएगा -2। एक दो वैल्यू फ्रैक्शन के बीच भी दसन लगे। जो भी आंसर देखना है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, प्लस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइनस में एक लैस करके देखी दे। हूँ जिस मैं सपोज कर लो वैल्यू देखना चाहता वहाँ 7/2, 7/2 की ग्रेटेस्ट इंटीजर, 7/2 का मीनिंग होंगे 3.5, तो यदि ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कितनी आएगी 3। तो जे -7/2 है आएगा तो यह भी -3.5, पर -3.5 की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कितनी आएगी, -3 नहीं आएगी, कितनी आएगी -4, क्योंकि -3, -4, -3.5 इतने आता पे, तो आंसर मैं दसदा पे लैफ्ट वाला आना हमेशा, तो आंसर कितना आएगा -4। हाँ -7/2 असं इस फॉर्म से रिप्रजेंट कर सकते हैं -4 + 1/2, जो डेफिनेशन के नाल मिला के देखिए, तो यू मेरा -4 है, एफ मेरा 1/2 है, तो आंसर हमेशा यू आंदा है, आंसर कितना आएगा -4, आंसर -4 यू। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के नाल दे सम भी करांगे लिमिट वाले, पर उस तो पहला तुहानू एक वैल्यू दसन लग्या एच। असी बार बार यूज़ करना वेरिएबल एक एच, एच लवेंगे तो पॉजिटिव नंबर पर बिल्कुल समॉल नंबर होएगा, 0.00000001 ऐसा ना सोच सकते हैं, यही कि यही होएगा, ये भी सोच सकते हैं कि ऐसा ना भी हो सकता, होएगा पॉजिटिव नंबर जीरो तो ग्रेटर, पर बिल्कुल जीरो नू अप्रोच करेगा, जीरो के कोल कोल होएगा। एच नू असी बार बार यूज़ करना है। हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दे लिमिट्स वाले सम करने, मेरे को एक सम है इवैल्यूएट, मैं लिमिट फाइंड करनी है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 नाल ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स है, 1 दी हैगा, मैं कोई होर नंबर लैन गया 3, ठीक है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स। यह सम करन दा मैथड है, कोई भी तुसीं ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला फंक्शन वाला सम करोगे, पहला असी लैफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है, लैफ्ट हैंड लिमिट किसा निकालांगे, एक वारी असी एक्स नू अप्रोच 3 नू अप्रोच करांगे लैफ्ट साइड तो, ते एक वारी असी राइट हैंड लिमिट निकालांगे, उहदे विच असी 3 नू अप्रोच करांगे राइट साइड तो,
हूँ पहले इन सोल्व करते हैं। एक्स अप्रोचेस टू थ्री फ्रॉम लैफ्ट का मतलब की है, जिस तरह असी थ्री ड्रो नंबर लाइन पर बनाया, असी थ्री नू अप्रोच करना है लैफ्ट साइड तो, यदा मतलब है जरा एक्स होएगा वो थ्री तो छोटा होएगा, ठीक है। एक्स लैस दैन थ्री का मतलब होंगे एक्स अप्रोचेस टू थ्री फ्रॉम लैफ्ट, तो जो असी थ्री नू अप्रोच करते हैं राइट साइड तो, यदा मीनिंग एक्स थ्री तो ग्रेटर होएगा, यदा मीनिंग होंगे एक्स अप्रोचेस टू थ्री फ्रॉम राइट। हूँ ये की करना है, पुट एक्स इज इक्वल टू थ्री माइनस एच, एच ग्रेटर दैन जीरो, सो दैट एच अप्रोचेस टू जीरो एज एक्स अप्रोचेस टू थ्री फ्रॉम लैफ्ट। असी एक्स नू पुट करता थ्री माइनस एच, एच कोई पॉजिटिव नंबर है, सो दैट एच जीरो नू अप्रोच करेगा जदों एक्स के नू अप्रोच करेगा थ्री फ्रॉम लैफ्ट नू, क्योंकि जो असी एक्स दिएगा थ्री पुट करांगे थ्री थ्री कैंसल हो जाएगा एच जीरो ही आएगा। अगले स्टेप च आ जाएगा लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, एक्स दिएगा कि आ जाएगा मेरे को थ्री माइनस एच। हूँ थ्री माइनस एच है जो असी ध्यान न सोचिए, थ्री माइनस एच का मतलब है कि असी थ्री विचों कुछ माइनस कर देते हैं, जो तुम थ्री के विचों कुछ वैल्यू माइनस करो, सपोज करो इस तरह की वैल्यू भी माइनस करो, ताड़ा आंसर टू पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है, 2.99 या कुछ भी इस टाइप का सम आएगा, आंसर आएगा। तो 2.99 की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कितनी आएगी, टू। यदा मतलब है कि थ्री माइनस एच की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कितनी आएगी, टू, क्योंकि थ्री विचों कुछ लैस करते पे हैं। तो जो असी लिमिट पुट करांगे इतने एच है ही नहीं है, यदा आंसर कितना आ जाएगा मेरे को, टू। जो थ्री माइनस एच की गल करते पे हैं तो एक पिछला नंबर आना लैस करके, थ्री चो लैस कर दो। हूँ राइट हैंड लिमिट कर दें, पुट एक्स इज इक्वल टू थ्री प्लस एच कॉमा एच ग्रेटर दैन जीरो पॉजिटिव, सो दैट एच अप्रोचेस टू जीरो एज एक्स अप्रोचेस टू थ्री फ्रॉम राइट। मेरे को आ जाएगा लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, इतने एक्स दिएगा कि आ जाएगा थ्री प्लस एच, थ्री के कुछ प्लस करना असी बिल्कुल समॉल वैल्यू, यदा आंसर थ्री पॉइंट समथिंग आएगा, पर आंसर असी कि लिखांगे थ्री, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ना, थ्री प्लस एच हो सेम माइनस है तो एक टू लैस, तो ये लिमिट पुट करना नहीं है, यदा आंसर थ्री आएगा। हूँ सब तो पहला साढ़े को लैफ्ट हैंड लिमिट आई टू, राइट हैंड लिमिट कितनी आई थ्री। हूँ अगला स्टैप की लिखना असी इस तो बाद कि क्योंकि दोनों लिमिट्स अलग अलग आ गई हैं, कहड़ा कहड़ा आंसर साढ़े को अलग है, बिकॉज लिमिट एक्स अप्रोचेस टू थ्री फ्रॉम लैफ्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू थ्री फ्रॉम राइट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स, क्योंकि दोनों लिमिट्स इक्वल नहीं आई, देयरफॉर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, यदा मीनिंग है लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। कोई भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो वैल्यू ओदी लिमिट इंटीग्रल पॉइंट के उपर कभी भी एग्जिस्ट नहीं करती, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की इंटीग्रल पॉइंट के उपर कभी भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। हाँ हूँ एक होर एग्जाम्पल देखते हैं जिद लिमिट फ्रैक्शन है, सपोज कर लो मेरे को एक्स अप्रोचेस टू थ्री ओवर टू है लिमिट, मेरे को स्टेप की होएगा चेंज, मैं हूँ लिमिट थ्री ओवर टू लैके चलाँगा, ठीक है, मैं लिमिट कि लैके चलाँगा थ्री ओवर टू फ्रॉम लैफ्ट, इतने भी मेरे को आ जाएगा थ्री ओवर टू माइनस एच, मेरे को आ जाएगा थ्री ओवर टू माइनस एच, थ्री ओवर टू का मीनिंग है 1.5, वो कुछ एच लैस करोगे यदि ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कि आएगी 1, तो यदा आंसर कि आ जाएगा 1। जो मैं राइट हैंड लिमिट लवाँगा वो भी 3 ओवर 2 प्लस लवाँगा, इतने आ जाएगा 3 ओवर 2 प्लस एच, 3 ओवर 2 प्लस 3 ओवर 2, 1.5 कुछ ऐड करोगे तो फिर भी यदा आंसर कि आएगा 1, यदा आंसर भी कि आ गया 1। लैफ्ट हैंड लिमिट का आंसर भी 1 आया, राइट हैंड लिमिट का आंसर भी 1 आया, यदा मतलब लगा कि मैं कि लिखाँगा हूँ कि दोनों लिमिट्स इक्वल आ गई हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3 फ्रॉम लैफ्ट तो 3 फ्रॉम राइट, 3 ओवर 2 फ्रॉम लैफ्ट तो 3 ओवर 2 फ्रॉम राइट, दोनों के आंसर सेम आ गए 1 तो 1, यदा मीनिंग है लिमिट एग्जिस्ट करती पी है तो आंसर कि आता पे 1 के इक्वल, ठीक है। इस मैथड के ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वाले सम करने लैफ्ट, एक बार लैफ्ट साइड तो अप्रोच कराना, एक बार राइट साइड तो अप्रोच कराना होगा।